नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दीप टेक्निकल चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे शॉप में एक 24 इंच का ये एलईडी टीवी आया है। आप देख सकते हैं इसमें ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है और ये ऑडियो बोर्ड भी डाला हुआ है, इसको ये सब ख़राब हो चुका है। इसके पहले कई बार इसका रिपेयरिंग किया हुआ है, तो आज हम इसको रिपेयर ना करके यहाँ इसकी जगह हम ये नया बोर्ड डालने वाले हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे हम। पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया हमने, अब इसमें नया बोर्ड इंस्टॉल करेंगे हम। ये नया बोर्ड है, ये नया बोर्ड पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर इसको स्क्रू लगाएंगे। पहले इसकी पूरी सेटिंग मैं आज आपको बताऊंगा। ये मैंने मेंस कॉर्ड लगा दिया, ये LVDS का कनेक्टर है, इसे भी मैंने लगा दिया। और इसके बाजू में जो ये वोल्टेज सिलेक्टर है, ये ध्यान से देखना है। और ये जो पैनल है, ये 12 वोल्ट की पैनल है, तो वोल्टेज सिलेक्टर 12 वोल्ट पे रखना है, इस पर ध्यान रखना है आपको। और फिर ये बैकलाइट का एक लगाया मैंने कनेक्टर, अब हम इसको देखेंगे एक बार सही से लगा है कि नहीं। ये देखिए, अब इसे ऑन करते हैं हम। ये मेंस कॉर्ड लगा दिया हमने, मेंस कॉर्ड लगाने के बाद ये देखिए इंडिकेटर जल गया, रेड इंडिकेटर। इसे हम सीधा करते हैं और दिखाते हैं आपको ऑन करके। देखिए, अब हम रिमोट से इसको ऑन करेंगे। ये इसका रिमोट है, देखिए ये पावर बटन दबाया मैंने, ये ऑन हो गया। देखिए ये ग्रीन लाइट जल गया, और ये देखिए डिस्प्ले पे एक अलग टाइप का ही पिक्चर आ गया है, देखिए। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये पिक्चर भी उल्टा आ रहा है इसमें, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेजुलेशन का प्रॉब्लम। अब हम इसका रेजुलेशन सेट करेंगे। ये देखिए रिमोट लिया मैंने, और रिमोट से इसका रेजुलेशन सेट करने के लिए इनपुट और 05432 एक रेजुलेशन है इसका, और दूसरा है इनपुट 05431, ये दो रेजुलेशन है इसके। तो हम इसका रेजुलेशन सेट करेंगे। अब ये देखिए रिमोट से मैं पहले इसको इनपुट 05431, देखिए ये स्टैंड बाय होके ऑन हो गया, इसका मतलब ये रेजुलेशन सेट हो गया। देखिए पूरा स्क्रीन आ गया, देखिए सही आ गया स्क्रीन। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये पिक्चर उल्टा हो गया। ये देखिए टीवी का लोगो नीचे है, और ये टीवी का जो लोगो है वो उल्टी तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये देखिए। तो इसे भी हमें सही करना है। इसे सही करने के लिए हमें सर्विस कोड इसका एक बार खोलना पड़ेगा। अभी सर्विस कोड भी हम इसे खोल के बताएंगे आपको। इसका सर्विस कोड है इनपुट 1150, ये देखिए इसका सर्विस मेनू खुल गया।
सर्विस मेनू खुलने के बाद अब इसको मैं सीधा करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। इसको सीधा करता हूँ टीवी को, ये देखिए इसमें जो ऑप्शन आते हैं सर्विस मेनू, हमें ये वीडियो ऑप्शन में जाना है। वीडियो ऑप्शन में जाने के बाद नीचे है पैनल कंट्रोल, पैनल कंट्रोल को ओके करना है। फिर इसमें नीचे की तरफ रिवर्स का एक ऑप्शन है, रिवर्स इसे ऑफ है, इसे ऑन करना है। इसे ऑन करके हमें बैक आके ओके दबाना है। जैसे ओके दबाएंगे ये एक बार स्टैंड बाय में जाके ऑन हो जाएगा। और ये देखिए पिक्चर सही हो जाएगा, ये देखिए ये सही हो गया। इसे हम ये देखिए मेनू दबा के सही होगा, सीधा करता हूँ इसको, ये देखिए अब ये सही से हो गया है। अब इसे हम एड वीडियो वाला करके चेक करेंगे एक बार, ये भी दबा के, ये वीडियो में है शायद, ये देखिए एकदम क्लियर पिक्चर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।